तो जी यहाँ पे रेडी होने लगा है मेरा नाश्ता। ये सारा सामान मैंने एक ही जगह रख लिया था। ऑमलेट के लिए जो है मैंने ये प्याज, हरी मिर्च और ये मशरूम्स ले लिए। तो फिर ऑमलेट रेडी करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये दो तरह के मैं बटर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड जो हैं ये डिफरेंट जो है बटर खाते हैं, मैं डिफरेंट खाती हूँ। दोनों की चॉइसेस अलग है बटर के मामले में। नाश्ता रेडी टू गो है। मेरे हस्बैंड बस फ्रेश होके आ जाएं तो मैं उनको सर्व करती हूँ और खुद भी खाती हूँ। ड्रिंक्स दोनों डाइट है ना? जी मैम। इसमें थोड़ी सी वेजेस लेंगे, इसमें मैंने मशरूम डाल दिए थोड़े से कटे हुए जी में, और थोड़े से मटर हैं। थोड़ा सा सौते करके फिर सालसा सॉस डालते हैं। थोड़ी सी जामने वाली कैबेज भी जाएगी इसके मसाले में। बारीक बारीक ये भी कुतल के थोड़ी सी डाल देंगे। आपके हस्बैंड अगर सब्जियां नहीं खाते हो ना तो फिर इस तरह बहाने बहाने से अपने मियाँ को जो है ना सब्जियां खिलानी पड़ती हैं बारीक बारीक कुतल के। जो वैसे तो सब्जी पकी हुई हो तो ढकना उठा के डोंगा चेक करते हैं और फरार हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि कुछ और खाने को हो। ये जो है इसमें नज़र आ रहा होगा आपको मशरूम्स, मटर और ये जो है ना कैबेज खाने। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजेस डाल सकते हैं। इसके बाद ये उनको थोड़ा घी में सौते करने के बाद वेजेस को, इसके बाद ये सलमान्स की मैंने ले ली है पास्ता सॉस। तो ये थोड़ी सी मैं जो है ऐड कर दूंगी। मसाला थोड़ा सा भुन जाएगा तो हमने पास्ता बॉईल करके रखा था उसमें डाल देंगे हम ये। अभी मैं इसमें सॉल्ट और चिली चेक करती हूँ, अगर कम हुआ तो थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्ची और सॉल्ट ऐड कर दूंगी। अदरवाइज तो ये सॉस ही बहुत मज़े की होती है। अभी जो सारा पास्ता बनाया का ये मसाला जो मैंने बनाया ना, इसमें लास्ट टाइम मैंने फूली हुई ग्रीन चिली भी मिक्स कर दी थी, ऐड कर दी थी। तो ये हल्का सा भुन गया। अब इसको हम ये बॉइल्ड किए हुए पास्ता में जो है ना ये मसाला सारा ऐड कर देंगे। वेजेस जितनी भी हैं आपको जो वेजेस पसंद हो ना आप वो डाल लें। सारा मसाला इसमें जो है मिक्स कर लेंगे तो ये वेजिटेबल पास्ता हमारा रेडी हो गया। क्योंकि चिकन वाला खा खा के भी ना एक जैसे आपका दिल भर जाता है तो आपको थोड़ा चेंज चाहिए होता है।
मसाला ही इसमें मैंने मिक्स कर दिया। और ये आपका जनाब झटपट सा जो है वेजिटेबल पास्ता रेडी हो गया है। ये जो है ना नान का पकौड़ा बनाने के लिए मैंने बेसन ले लिया है। बेसन में मैंने नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा और अजवाइन डाल के इसको ना थोड़ा सा घोल लेंगे, फिर मैं आगे स्टेप बताती हूँ आपको। अच्छा, नान पकौड़ा बनाने के लिए हमने एक नान ले लिया प्लेट में, और ये आलू जो बॉईल करके मैश करके रखे थे मैंने, इसमें नमक, लाल मिर्च और गरम मसाला पाउडर जो है वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसके बाद जो है ये बेसन मैंने घोल लिया था, बताए थे इसके इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको। अब ये जो है आलू जो है हम इसके अंदर फिल कर लेंगे बेसन के अंदर। स्नैक्स अगर घर पे बने हुए ना तो मज़ा ही आ जाता है। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो एक नंबर के जो है ना चटोरे इंसान जो हैं वो साबित हुए हैं। अच्छा, फिर इसको जो है ना इस बैटर में आप डिप कर लेंगे नान को, ये जो बेसन का बैटर आपने बनाया था ना, थोड़ा थिक रखेंगे ताकि ये टिक जाए कोटिंग इसके ऊपर, नान के ऊपर। ये देखिए, इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया नान को, और ये फ्राई हो रहा है। जब एक तरफ से गोल्डन रेड हो जाएगा तो इसको हम पलट देंगे, टर्न कर देंगे, और फ्राई करके जब मैं इसको डिश आउट करूँगी तो फिर मैं फाइनल लुक दिखाऊँगी इस बेसन वाले नान की आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे नान पकौड़ा को मैं टर्न करने जा रही हूँ, और आप लाइव देखें कि इसका क्या कलर आया है। और इट लुक्स, क्या गोल्डन कलर आया है हमारा। दूसरी तरफ से भी रेड करके हम इसको निकाल लेंगे और हमारा ज़बरदस्त सा नान पकौड़ा का स्नैक रेडी हो जाएगा। वेज पकौड़ा तैयार हो गया, इसको ना गरम गरम कटिंग कर लेंगे हम, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। इस किस्म के स्नैक्स ना मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, ताकि जो है वो मुस्तकिल जो नॉर्मल मेन कोर्स या मेन मील जो रोटी सालन दाल चावल या चावल सालन आप बनाते हैं उससे इंसान तंग आ जाता है समटाइम्स। तो ये देखें, ये मैंने कटिंग किया है, ये देखें इसके अंदर आलू की फिलिंग है और ऊपर मैंने बेसन की कोटिंग की थी। ये हमारा रेडी हो गया है वेज पकौड़ा, और इसके अलावा ये आलू पकौड़ा रेडी है, ये नान पकौड़ा हमारा, और वेज पास्ता बनाया था मैंने, और अपने बेटे के लिए मैंने फ्रेंच फ्राइज और पापड़ फ्राई कर लिए थे। पीनट्स पड़ी हुई थी, कच्ची पीनट्स मैं लेके आई थी बगैर टोस्ट हुई हुई, तो ये भी मैंने यार टोस्ट कर ली थी, थोड़ी फ्राई कर ली थी। तो ये इवनिंग के सारे जो हैं तीन चार स्नैक्स जो हैं ये रेडी हो गए हैं मेरे आज के। तो होपफुली सारी रेसिपीज आपको पसंद आई होंगी, आप लोग ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे याद कीजिएगा और दुआएं दीजिएगा।